तो इस आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्या आपको अपनी YouTube वीडियो शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितनी लिमिट तक आपको शेयर करना चाहिए, इससे आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी, आपका चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा और आपके चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपको इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा और YouTube क्या चाहता है। तो ये सारी बातें आपको पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो भी अपनी वीडियो शेयर करता है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, फिर उसके बाद सोचना कि आपको वीडियो शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। और जो भी अपनी YouTube वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करता है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कई सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिनके वजह से उनके चैनल की जो रैंकिंग होती है वो बंद हो जाती है। और कैसे बंद हो जाती है पूरी आपको मैं कंप्लीट समझाने वाला हूं। और गाइस अगर आपको अपना चैनल प्रमोट कराना है तो नीचे आप एक कमेंट कर देना और मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं रोजाना 10 चैनल देता हूं उनको जाकर सब्सक्राइब करना और रैंडम पिकर से आपका अगर नाम आएगा तो आपका भी चैनल प्रमोट कर दिया जाएगा। तो नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम अपनी वीडियो शेयर नहीं कर सकते और जो यूट्यूब में ऑप्शन दिए होते हैं वो किसके लिए दिए होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं वो ऑप्शन आपके लिए नहीं होते हैं, वो आपके व्यूअर्स के लिए होते हैं। वो शेयर कर सकते हैं वीडियो, वो भी एक लिमिट तक शेयर कर सकते हैं। ज्यादा अगर शेयर करते हैं तो वहां पर शेयर का जो काउंट होता है वहां पर आ जाता है, लेकिन वो काउंट कौन सा होता है, अगर आप खुद शेयर करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा वहां पर। आप देखेंगे अपनी वीडियो को क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे और उसका सारा सब कुछ डाटा देखेंगे तो वहां पर कुछ शेयर का ऑप्शन आएगा, लेकिन वो शेयर कौन से होंगे जब वीडियो पूरी कंप्लीट देख के जब शेयर की जाएगी वो वहां पर शेयर काउंट होगा। और आप अपनी बार बार वीडियो तो देख नहीं सकते, जो आप शेयर कर देते हो लिंक कॉपी कर देते हो व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर कर देते हो तो आप अपनी पूरी कंप्लीट वीडियो देख के तो शेयर करते नहीं होगे, ऐसे लिंक उठाया और कॉपी करके आपने शेयर कर दिया तो वहां पर जो काउंट होते हैं वो पूरी कंप्लीट वीडियो देखी जाती है तब वहां पर वो काउंट होता है, वो एक शेयर माना जाता है, वो बिल्कुल सही शेयर माना जाता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहां होती है। तो गाइस आप अगर अपनी वीडियो हद से ज्यादा शेयर करते हैं तो आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी, ना तो आपका चैनल ग्रो होगा ना ही आपकी वीडियो वायरल होगी। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर किसी ग्रुप पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं या किसी भी जगह अपनी वीडियो शेयर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पहली बात तो आपका जो एक्सटर्नल सोर्स होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है और एक्सटर्नल सोर्स 20% रहना चाहिए और बल्कि 20% से कम ही रहना चाहिए, क्योंकि YouTube नहीं कहता कि आप अपनी वीडियो खुद शेयर करो। शुरुआत में शेयर कर सकते हैं जब आपका छोटा चैनल हो, आपके पास ऑडियंस ना हो तो आप शेयर कर सकते हैं, दबा के शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपका चैनल थोड़ा सा यानी कि रैंकिंग चैनल की सही हो जाए, थोड़ा सा यानी कि पुराना चैनल हो जाए तो आप शेयर नहीं कर सकते, फिर आपको YouTube मना करता कि आप शेयर नहीं कर सकते, आपकी ऑडियंस जो आपके पास आएगी वो वीडियो शेयर कर सकती है। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। क्यों वायरल नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं जिस भी आप पर्सन को अपनी वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वीडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो क्लिक करके छोड़ देते हैं यानी कि वीडियो कट कर देते हैं, पूरी वीडियो कोई कंप्लीट नहीं देखता है। बस कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पूरी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं। और आप अगर दोस्तों को शेयर करते हो या किसी ग्रुप में शेयर करते हो तो वहां पर क्या होता है, वीडियो ओपन करके बस बंद कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है वीडियो का जो एंगेजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऑडियंस इंटेंशन की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि अगर ऑडियंस इंटेंशन शुरुआत में अगर हमारा सही आ जाता है तो हमारी वीडियो आगे पहुंच जाती है, अगर नहीं आता है तो हमारी वीडियो की रैंकिंग वहां पर रुक जाती है। तो इसी प्रकार से हमें जो वीडियो है उसको शेयर नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स की। तो अगर हमारे चैनल पर ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स हो जाता है तो YouTube क्या करता है, आपके चैनल की रैंकिंग रोक देता है, क्योंकि आप अपने चैनल पे ट्रैफिक लेके आ रहे हो, आपके चैनल पे ट्रैफिक खुद नहीं आ रहा है, आप अपने चैनल पे ट्रैफिक लेके आ रहे हो, वीडियो शेयर कर रहे हो और लोगों को फोर्स कर रहे हो कि भाई आप हमारी वीडियो देखो। जब आपकी वीडियो अच्छी होगी तो लोग खुद ही आपकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सोचो कि मैं शेयर करके मोनेटाइजेशन करवा लूं और व्यूज अच्छा खासा लेके आ जाऊं तो मोनेटाइजेशन में आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको जो एक्सटर्नल सोर्स होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैंने ऐसे कई सारे चैनल देखे जो बहुत अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं, बहुत सारा सब कुछ रेगुलर भी देते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उन्हें शुरुआत से वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर दिया, उनका जो एक्सटर्नल सोर्स था वो 50% से सबसे ज्यादा ऊपर हो गया। शुरुआत में हमारा जो ट्रैफिक सोर्स होना चाहिए वो यूट्यूब सर्च होना चाहिए, सबसे ज्यादा सर्च होना चाहिए, बाद में जो हमारा ट्रैफिक सोर्स होता है वो यानी कि ब्राउज फ्यूचर हो जाता है, तब हमारा चैनल ग्रो होता है। और अगर आप अपनी वीडियो को बार बार किसी ग्रुप में शेयर करते हैं या किसी भी जगह शेयर करते हैं, बहुत हद से ज्यादा शेयर कर देते हैं, तो आपका जो चैनल होता है वो स्पैम में चला जाता है, आपका चैनल को यूट्यूब स्पैम में भेज देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, जो आप कमेंट में जाके अपनी लिंक शेयर कर देते हैं, अपनी जो वीडियो होती है उस लिंक को शेयर कर देते हैं, वहां से तो आपका जो चैनल होगा उसको मोनेटाइज ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका बहुत ज्यादा स्पैम हो जाता है। और एक बार आपका चैनल जो स्पैम में चला जाता है वो चैनल को फ्रीज कर देता है, YouTube उस चैनल को फ्रीज कर देता है, उसकी रैंकिंग रोक देता है। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको यानी कि जो भी हो YouTube के अंदर से ही ट्रैफिक लाने की कोशिश करना है, YouTube के बाहर से अगर आप ट्रैफिक लेके आएंगे तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल साफ है। और आप अगर सोचते हैं कि हमारे YouTube के अंदर से व्यूज नहीं आ रहे हैं, हम शेयर
शेयर करके व्यूज लेके आ जाएं तो उनसे कोई आपको फायदा नहीं होगा। आपको इंतजार करना है और थोड़ा सा कंटेंट आपको सही करके देते रहना। आप एक डेढ़ हफ्ते अपनी वीडियो शेयर करना बंद कर देना, उसके बाद जो होंगे आपके व्यूज वो आने लगेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस आपको मैंने सारा सब कुछ बता दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और हाँ, आप शेयर कर सकते हो, किसको शेयर कर सकते हो, जिसको उस वीडियो की जरूरत है कि हाँ वो बंदा पूरी आपकी वीडियो कंप्लीट देख सकता है, उस बंदे को आप शेयर कर सकते हो। और आप अपने मोबाइल से कभी भी अपनी लिंक कॉपी करके किसी को शेयर नहीं करना और ना ही अपने मोबाइल से किसी ग्रुप में अपनी लिंक शेयर करना वीडियो की। वहां से क्या होगा कि आपका जो स्पैम होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब नहीं चाहता कि आप अपने चैनल पर ट्राफिक लेके आओ। लेकिन आप शुरुआत में शेयर कर सकते हो, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ज्यादा हद तक शेयर करोगे, ज्यादा हद तक सपोर्ट सब करोगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। और आप सपोर्ट सब भी कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक, सारा काम होता है यूट्यूब पर, सब कुछ होता है। आप सोचो कि कोई भी चीज गलत होती है, कोई भी चीज गलत नहीं होती है, सारा सब कुछ होता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप लिमिट से आगे जाते हो तो आपके यूट्यूब एक्शन लेगा और आपके चैनल पर जो भी प्रॉब्लम होगी वो यूट्यूब की तरफ से आ जाएगी। और आप सोचोगे कि हमारा चैनल ग्रो हो जाए तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। तो आई होप गाइस आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, वैसे भी आपको कमेंट करना है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे थोड़ी सी आपको हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल करे, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।